Hello students, welcome back. Guys, it's a very long time, although actually I was not well and I have some infection in my eyes, so that due to that I was unable to open my laptop and record any video. So my apologies for that. And but main pura make sure karungi ki aapko jitna zyada se zyada ho sakta hai main jaldi se jaldi aapko provide kar dun. Although अगर मैं कमेंट्स देख रही थी तो बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे मुझसे एक व्यूअर ने मुझसे लाइक साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के मास्टर्स के एंट्रेंस के रिगार्डिंग गाइडेंस के लिए पूछा था. सो मैंने उन्हें रिप्लाई किया है एंड एक सेपरेट कमेंट बॉक्स में. बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई वुड एड्रेस ऑल ऑफ यू गाइज दैट इफ एनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी मास्टर्स एग्जाम, सो आपके लिए अगर एक इम्पॉर्टेंट है तो ज्यूरिसप्रूडेंस और इंटरनेशनल. लाइक यू हैव टू फुल्ली फोकस्ड ऑन ज्यूरिसप्रूडेंस एंड इंटरनेशनल. सो हेयर आई एम एड्रेसिंग द एस्पिरेंट्स ऑफ साउथ एशियन यूनिवर्सिटी बिकॉज इट्स अ टोटली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी. सो इट इज इट्स लॉज आर मेनली बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ एंड ज्यूरिसप्रूडेंस. लाइक वो लोग सिर्फ इंटरनेशनल और ज्यूरिसप्रूडेंस पे फोकस करते हैं. सो मैं तो इसी तरीके से मैं चाहूँ कि आप लोग को अगर और भी सजेशन चाहिए, क्योंकि अभी जो ड्यूरेशन था जिसने टाइम तक मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की थी, इररिस्पेक्टिव मैं आपके मटेरियल कलेक्ट कर रही थी बट लाइक लैपटॉप नहीं ओपन कर सकती थी, लैपटॉप यूज़ नहीं कर सकती थी. सो आई वॉज फेसिंग सम प्रॉब्लम. सो बट मैंने मेक श्योर किया है कि आपका प्रॉपर मटेरियल इस ड्यूरेशन में मैं कवर कर लूँ. सो मैं यहाँ पे ज्यूरिसप्रूडेंस का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वाला पार्ट है वो फोर्थ पार्ट आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ, और ये सेकेंड लास्ट पार्ट है. इसके बाद सिर्फ एक और पार्ट होगा और ज्यूरिसप्रूडेंस कंप्लीट, ज्यूरिसप्रूडेंस इज डन. सो और कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोग को एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करते चलूँ. और अगर एमसीक्यूज आपको चाहिए गाइज तो यूजीसी क्रैश कोर्स की सीरीज में एमसीक्यूज ऑलरेडी प्रोवाइडेड है. ओके गाइज, सो देखते हैं ज्यूरिसप्रूडेंस का फोर्थ पार्ट, सोर्सेज ऑफ लॉ. अभी तक हमने देखा जहाँ पर हमने स्कूल की बात की जिसमें एनालिटिकल, हिस्टोरिकल और सोशियोलॉजिकल स्कूल के बारे में बात की. दोज आर दी इम्पॉर्टेंट स्कूल्स ऑफ लाइक इम्पॉर्टेंट स्कूल भी कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस. आपने वहाँ पर एक चीज़ नोटिस की होगी गाइस, मैंने वहाँ पर रियलिस्टिक स्कूल और फिलोसफिकल स्कूल को कवर नहीं किया है. एक्चुअल में अगर हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं तो स्कूल के बेसिस पे आपको एनालिटिकल एंड हिस्टोरिकल आर इम्पोर्ट, एनालिटिकल एंड सोशियोलॉजिकल आर इम्पॉर्टेंट. इनके अलावा अगर आप देखोगे तो हिस्टोरिकल स्कूल और नेचुरल स्कूल उसके बाद के क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, एंड एनालिटिकल स्कूल और हिस्टोरिकल का कंपैरिजन होता है. सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप बेस है ये पूरा ज्यूरिसप्रूडेंस का, इस पे पूरा ज्यूरिसप्रूडेंस बेस्ड है. इसमें सोर्सेज में आपको बात करूंगी तो कस्टम्स, प्रेसिडेंट्स, लेजिस्लेशन एंड अग्रीमेंट्स हैं शायद, ऑल्दो यही चार ही हैं जिसमें कस्टम पे ज्यादा फोकस किया गया है इस. क्योंकि अगर आप देखोगे तो कस्टम जो वो बहुत ओल्डेस्ट सोर्स है लॉ का, सो कस्टम पे ज्यादा इन्होंने फोकस किया. कस्टम पे क्या, कस्टम में अगर आप देखोगे तो डेफिनेशन दी हुई है हॉलैंड एंड सैलमेंट की. कस्टम की डेफिनेशन इन्होंने दी है, सैलमेंट ने आई थिंक दो डेफिनेशन दी है एंड हॉलैंड ने एक डेफिनेशन दी है. प्लीज मेक श्योर गाइज दैट यू आर कवरिंग दोज डेफिनेशन. एंड आई एम मेंशनिंग स्पेशली उस पर्टिकुलर जुरिस्ट का नाम कि आप उनके डेफिनेशन जरूर कवर करो. अगर मैं चाहती यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन लिख सकती थी, बट डेफिनेशन अगर आप कस्टम की देखोगे अगर कंटेंट वाइज तो वो बहुत है. कस्टम्स की डेफिनेशन बहुत जूस ने दी है, बट अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें सो दैट्स व्हाई आई हैव प्रोवाइडेड यू कि जस्ट हॉलैंड एंड सैलमेंट. ये नहीं कह रही हूँ कि बाकियों की इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मेजोरिटी पार्ट अगर आप देखोगे 98% पार्ट तो हॉलैंड, अगर कस्टम की डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हॉलैंड एंड सैलमेंट की ही पूछी जाती है. अगर आप इससे ज्यादा कर लोगे तो देन वेल एंड गुड, और इतना तो आपको कवर करना ही है. इसके बाद अगर हम देखेंगे तो एसेंशियल्स ऑफ कस्टम्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. एसेंशियल्स ऑफ कस्टम्स सिर्फ ज्यूरिसप्रूडेंस का पार्ट नहीं है, ये इंटरनेशनल लॉ का भी पार्ट है गाइज. आपने अगर ध्यान दिया होगा इंटरनेशनल लॉ में तो इंटरनेशनल लॉ और ज्यूरिसप्रूडेंस की जो सिमिलैरिटीज है वो इन्हीं बेसिस पे डिपेंड करती है. सो कस्टम आर वेरी इंपॉर्टेंट और एसेंशियल जो है कस्टम्स के, लाइक
फाइव टू सिक्स एसेंशियल्स हैं जिसमें एंटिक्विटी, रीजनेबलनेस और आपको लॉन्गिविटी, मतलब कस्टम्स के एसेंशियल जो हैं वो कवर हैं। तो वो आप जरूर देखना और ध्यान रखना कि एग्जैक्टली किस टर्म को किस मीनिंग में प्रोवाइड किया गया है। एंटीक्विटी अगर दी गई है तो एंटीक्विटी को इमेमोरियल से कनेक्ट किया गया है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन एंटीक्विटी पे नहीं पूछ लिया जाएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन कभी हो सकता है। और जनरली ये देखा गया है कि इमेमोरियल पे पूछा गया है, और इस पर एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो 2012 के यूजीसी नेट के क्वेश्चन में पूछा गया था एजर्शन रीजनिंग में, एंड आई होप लाइक मोस्ट ऑफ यू आर हैविंग नॉलेज ऑफ दैट क्वेश्चन, जिसमें आपको एजर्शन में पूछा गया था कस्टम शुड मस्ट बी इमेमोरियल समथिंग करके, और एजर्शन में था इट इज बेस्ड ऑन कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल। तो इस पे गाइज ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही लाइक बेसिक चीज है, बहुत ही कंफ्यूजन वाली चीज है, और आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन पे हाईकोर्ट में केस भी फाइल हुए थे, लाइक यूजीसी नेट ने जो आंसर प्रोवाइड किए थे वो गलत लोगों ने बोले, फिर उनपे केस भी फाइल किया। सो आपको ये देखना जानना बहुत जरूरी है, और मैं तो कहूंगी कि कस्टम की वो वाले एजर्शन रीजनिंग आप जरूर देखना, और अगर आपको नहीं पता हो तो आप बता देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सो अगर हम नेक्स्ट पार्ट अगर हम करते हैं तो लेजिस्लेशन। अब लेजिस्लेशन में क्या कवर होता है, लेजिस्लेशन में दो टाइप है, सुप्रीम एंड सबऑर्डिनेट। बट इफ आई एम कंपेयरिंग योर लेजिस्लेशन विद कस्टम, देन कस्टम इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछ सकते हैं कि फोर पॉइंट्स दे दिए, पूछ लिया लेजिस्लेशन कैन एब्रोगेट कस्टम, कस्टम कैन एब्रोगेट लेजिस्लेशन, दे बोथ आर इंडिपेंडेंट और दे डोंट हैव एनी रिलेशन। इस तरीके से आपको 1, 2, 3, 4 दे दिया जाएगा एंड पुट द राइट आंसर ऐसे करके। तो लेजिस्लेशन ज्यादा डेफिनेशन में ज्यादा डीपली नहीं जाने की जरूरत है, जो ज्यादा डीपली जाने की जरूरत है वो है कस्टम। सो अब अगर हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट की बात करते हैं, और प्रेसिडेंट में आपको सॉरी गाइस यहाँ पे रेशन लिख गया है, इट्स रेशियो डिसेंडाई। सो रेशियो डिसेंडाई एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू प्रोनाउंस एंड ऑर्बिटर डिक्टर। सो ये दो कॉन्सेप्ट हैं प्रेसिडेंट के। सो इनकी क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जनरली इनसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि रेशियो डिसेंडाई के दे दे मीन्स और कोलन के बाद चार ऑप्शन देंगे, रीजन ऑफ द केस, फैक्ट्स ऑफ द केस, इस तरीके से। तो आपको बेसिक आपको इसका पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या मीनिंग है। ऑल्दो अगर दोनों को देखें तो दोनों सिमिलर हैं, लेकिन दोनों में ऑब्लिगेट परसुएसिव और बाइंडिंग की डिफरेंस है। एग्जैक्ट मीनिंग का थोड़ा सा लाइक 1920 वाला कॉन्सेप्ट है, सो वो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, आप जरूर उनको देखना। इसके बाद आती है थ्योरीज ऑफ प्रेसिडेंट। तो 4 to 5 थ्योरीज हैं, ज्यादा डीप में नहीं, हाँ बस एक आपको बेसिक थॉरो नॉलेज होनी चाहिए उनकी। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है राइट्स एंड ड्यूटीज। जब अगर हम कस्टम हो गया, स्कूल्स हो गए, सॉरी सोर्सेज हो गए और स्कूल्स हो गए, अब हम आते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज की बात करते हैं। सो राइट्स एंड ड्यूटीज में अगर हम जाते हैं, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करेंगे हॉफिल टेबल ऑफ ज्यूरल रिलेशन। ये टेबल गाइस ऐसा है जिसमें आपको एट ज्यूरल रिलेशनशिप्स हैं, जिसमें आपको क्लेम, ड्यूटी, लिबर्टी, नो क्लेम, पावर, इस तरीके से 8 कॉन्सेप्ट्स हैं। एंड यू हैव टू रिमेंबर वॉट आर कोरिलेटिव एंड वॉट ऑल आर कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी अपोजिट और पैरेलल। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्लेम का कोरिलेटिव क्या है, पावर का अपोजिट क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आई विल मेंशन कि आप लोग हॉफिल टेबल डायरेक्टली रिमेंबर कर लो, सो दैट विल बी बेस्ट, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो पहले आप टेबल बनाओ, उस बेसिस पे आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लो, दैट विल बी इजियर फॉर यू गाइज। सो अगर हम उसके आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेशन है राइट्स की। यहाँ पे गाइज मैं सिर्फ राइट्स की बात कर रही हूँ अभी फिलहाल, राइट्स की डेफिनेशन है यहाँ पे आपको, हॉलैंड की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी इसमें ड्यूटीज भी इंक्लूडेड है, हॉलैंड की राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों डेफिनेशन है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स, इसमें भी आपको 3 to 4 क्लासिफिकेशन आपको प्रोवाइडेड है, वो आप एक बार मतलब एकदम डीपली नहीं पढ़ना, लेकिन हाँ जो राइट्स जो दिए हुए हैं उनके आपको बेसिक मीनिंग पता होने चाहिए. उसके बाद आती है सेम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यूटीज, एंड द लास्ट पार्ट इज ऑस्टिन्स कैटेगराइजेशन ऑफ ड्यूटीज. दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट राइट एंड राइट्स के, राइट्स एंड ड्यूटीज के अगर कंटेंट की हम बात करते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी हॉफेल टेबल ऑफ जूरियन रिलेशन, बट सेकेंड प्रायोरिटी विल बी ऑस्टिन्स कैटेगराइजेशन ऑफ ड्यूटीज. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज यू ऑल्सो नो कि ऑस्टिन अगर हम नाम लेते हैं तो जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल का ही हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है. ऑस्टिन के बिना आई वुड कंसिडर कि ऑस्टिन ने जितना, ऑस्टिन और सैलमन ने मतलब जिस तरीके से जितनी डेफिनेशन हर कैटेगरीज में, डेफिनेशन हर कैटेगरीज में अपने एक्सप्लेनेशन थ्योरीज प्रोवाइड की है, आई डोंट थिंक मैंने अभी तक देखा नहीं है जितना ऑस्टिन और सैलमन ने प्रोवाइड की है. सो आई सो ऑस्टिन्स कैटेगराइजेशन ऑफ थ्योरीज दैट इज अ इक्वल अपोजिट इक्वल जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो एक आपको कवर करना है. सो गाइज ये तो था मेरा अभी का वीडियो. दिस एज आई मेंशन इन माय इनिशियल स्टेज कि ये सेकंड लास्ट वीडियो है जो स्टूडेंट्स का, इसके बाद बस एक लास्ट और पार्ट है. आफ्टर दैट आई विल बी स्टार्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट एंड आई विल बी डूइंग इन, मैं कोशिश करूँ कि थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा भी होता है तो मैं प्रोवाइड करूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूँ कि आपको कंटेंट प्रोवाइड हो, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 5 days लेट. तो मैं कोशिश कर रही हूँ क्योंकि 10 May, अगर आप क्लैट के पर्सपेक्टिव से आप देखो तो 10 May है एग्जाम, नेट के पर्सपेक्टिव से देखो तो वो भी शायद अराउंड जून में है. सो टाइम इज रनिंग वेरी फास्ट. सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करते जाओ गाइज, और क्वेश्चन पूछो. अगर बाय चांस कभी अवेलेबल नहीं होते तो मैं आपको कमेंट आपको एड्रेस कर दूंगी. सो टिल देन टेक केयर गाइज, बाय बाय.